Kraliçe. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe për shtërkua vëtën dhe diri gërëti u gërëi alëi khauri au dhe bënu qistan dhe shahu khasi musaka ra gënu dhe mukhtalifë përqë ju gërëu stasu dhe të ratak njerë shukëria dhe kau dhe e rëgmëdër, njerë bani i të pikireve për urdu u këveve për shtonëra Muhterma Maryam Nawaz sahiba, Muhterem Dr. Malik Baloch, ANP ke Muhterem Mia Iftikhar Hussain, Jamiat Ulama Islam ke Maulana Abdul Wasi sahab, People Party ke mere intihai meherban dost, Mir Jatak sahab ne anta hoga, Jalil Mardanzai Qaumi Watan Party Muslimin nuk e sëdër, senator Parvez Rashid, vakil rehnuma Nasibullah Tarin, ehle hadis ke Ismatullah sahib, Azghar Khan, Nawab sahib muhtaram, Ayaz Khan Jogizai, Pashtunkhwa ke subai sadar, Usman Khan Kaka, main آپ سب پارٹیوں کا ڈاکٹر مالک صاحب کی پارٹی کا عوامی نیشنل پارٹی کا مسلم لیگ کا جناب مولانا عبدالواسیع صاحب کا اہل حدیث والوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پشتون بلوچ مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اپنے کارکن لا کر مریم بی بی کے اس جلسے کو کامیاب بنایا میں اس پہ آپ سب کا مشکور ہوں آپ کا خدا بلا کرے آپ کو خدا عزت دے محترم ہم یہاں زور شور مت کرو ہم یہاں کسی ادارے کو کسی پارٹی کو یا کسی خاص مخصوص حکمرانوں کے طبقے کو گالیاں دینے نہیں آئے ہمیں چونکہ اپنے ماں باپ اپنی عزت اپنی بہنوں کی عزت عزیز ہے اسی لئے ہم دوسروں کی ماں بہن کی عزت کرتے ہیں ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے لیکن ایک بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے آئے ہیں کہ یہ ملک اور یہاں ہمارے مادر وطن پشتون مادر وطن بلوچ مادر وطن سندھی مادر وطن پنجاب کا مادر وطن یا عبدالسرائیکیوں کا مادر وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا یہ ہمارے مادر وطن ہے اس پہ ہماری مرضی کی حکمرانی ہوگی اس کے وسائل پہ ہمارا اختیار ہوگا ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں ہم ہر انسان کی زبان کا احترام کرتے ہیں ہم ہر انسان کی کلچر کا احترام کرتے ہیں اور ان سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مادر وطن کا خیال رکھیں محترم مریم بی بی صاحبہ
Look at Chopsy, where are Chopsy? यहाँ हम मुख्तलिफ उल नौ किस्म के लोग, यानी मुझे पंजाबी जुबान समझ नहीं आती, मेरी पश्तो जुबान मरियम बीबी को समझ नहीं आती, अली मोहम्मद चतक की जुबान बरावी मुझे समझ नहीं आती, मैं सिंधी नहीं बोल सकता, सिंधी पश्तो नहीं समझता, बलोच पश्तो नहीं जानता, पश्तून बलोची नहीं जानता, फिर हम इस मुल्क में कैसे इकट्ठे हैं? हमें अलग कजुए नारे में हुई खबर समझा राज कहूं, हमें एक आईन ने इकट्ठा किया हुआ है, आईन के उसमें हर इदारे का अपना अपना एक फ्रेमवर्क है, अदलिया का एक फ्रेमवर्क है, मुकन्ना का एक फ्रेमवर्क है, अफवाज पाकिस्तान का एक फ्रेमवर्क है, इसमें रहते हुए हमने इस मुल्क को चलाना है। पाकिस्तान के आईन का हम लोगों से हल्फ लिया गया है, जजों से हल्फ लिया गया है, सियासियों से लिया गया है, फौजियों से लिया गया है, लेकिन होता क्या है, जज जब हल्फ उठाता है वो कहता है मैं आईन का एहतराम करूंगा और अगर आईन को किसी ने छेड़ने की कोशिश की उसका दिफा करूंगा। सियासी लोग जब हल्फ उठाते हैं वो यही कहते हैं कि हमने इस आईन का ख्याल रखना है और अगर इसको छेड़ा गया हमने हमारा आईन अभी उठा के देख ले, हमारे आईन में फौजी सिपाही से लेकर जर्नेल तक जब हल्फ उठाते हैं वो कहते हैं कि हम आईन के वफादार रहेंगे और हम किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं आपको खुदा का नाम वास्ता देता हूं, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं, क्या हमारी अफवाज आईन के अपने इसका एहतराम करती हैं या नहीं करती हैं? मरियम बीबी एक सवाल हल तलब है, मियां इफ्तिखार हुसैन भाई, डॉक्टर मालिक भाई, मौलाना अब्दुल वासे भाई, एक सवाल पाकिस्तान की तश्कील के दिन से हल तलब है, वो सवाल ये है कि यह मुल्क, क्या यह मुल्क अफवाज के लिए है या अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के लिए है? अगर अफवाज पाकिस्तान आईन का एहतराम करते हैं, जो जर्नेल, जो सिपाही, जो ब्रिगेडियर, जो कर्नेल आईन का एहतराम करता है, मैं तमाम सियासी लीडरों की तरफ से उनको सलूट करता हूं, और जो आईन का एहतराम नहीं करता है उनके खिलाफ उठना पड़ेगा। हमारे मुल्क में पहले दिन से यह झगड़ा है, मेरी तजवीज है, इसके दो रास्ते हैं, इसके दो रास्ते हैं मरियम बीबी, डॉक्टर साहब, वासे साहब, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, जतक साहब, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक बोरान में मुब्तला है, तमाम हमसाया हमसे नाराज हैं, अफगानिस्तान नाराज है, चीन नाराज है, हिंदुस्तान नाराज है, ईरान नाराज है, ये हालात इसका तकाजा करते हैं कि इन हालात में हम सब मिलकर इस मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़े। बचाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि जजेस
अफवाज पाकिस्तान के दानिश्वर जो भी हैं, मीडिया, वकला, सियासियत जानने वाले लोग, हम सब इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल निकालें कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। हम जजेस अपने दायरे में रहेंगे, पाकिस्तान ठीक चलेगा। मुकन्ना अपने दायरे में रहेगी, पाकिस्तान ठीक चलेगा। अफवाज पाकिस्तान अपने दायरे में रहेंगे, पाकिस्तान ठीक चलेगा। जो भी दायरा अपने दायरे से बाहर जाएगा, पाकिस्तान बहरानों में मुब्तला हो जाएगा। एक इरादा उसका ये, एक रास्ता ये है कि फौरन एक ग्रैंड जरगा बुलाया जाए, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसमें जजेस हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बार और जजेस से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सियासी पार्टियों से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जर्नलों से, वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे बैठकर इस मसले का हल निकालें। वो दूसरा रास्ता कठिन है, बहादुरों का रास्ता है, बहादुर लोगों का रास्ता है। वो ये है कि फिर हमने, अगर कोई ना माने, हमने आईन के दिफा में पाकिस्तान की सड़कों पे निकलना होगा और सारी सड़कें बंद करनी होगी, सारे लोगों को चैलेंज करना होगा कि यहां आवाम की ताकुमरानी होगी। हमारा फौज, हम कोई पागल नहीं है कि पाकिस्तान की फौज ना हो, हम कोई पागल नहीं है कि पाकिस्तान के जासूसी इदारे ना हो। जिस मुल्क के जासूसी इदारे नहीं होते वो बेरा होता है, वो आंधा होता है, और जिस मुल्क की कॉम्पिटेंट नहीं होती वो अपना दिफा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात, हम उन तमाम जो हमारे साथ हुआ, मरियम बीबी आप हमारी बहन हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी बेटी हैं, आपको पता होगा हम पश्तून, बलोच, सिंधी, सराय की, हत्ता पंजाब के लोगों को हजारों की तादाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी में मारा गया है, हजारों की तादाद में। पिशावर के बादशाह खान के पहले जलसे, बाबड़ा से लेकर पिंडी तक हजारों हमारे लोगों को 144 की खिलाफ वर्जी पे कत्ल किया जाता है, और बाज लोगों ने अपने लिए ये आयाशी रख ली है कि वो आईन को पाड़ेंगे, कोई उनसे नहीं पूछेगा। इस किस्म के पाकिस्तान में हम रहने के लिए कतई तैयार नहीं है। पाकिस्तान होगा, उसका एक आईन होगा, तमाम इदारों पे उसकी पाबंदी लाजिम होगी, और कुरान करीम या रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक वो कहते हैं फाकुम बैनन्नास बिलहक, इंसानों के दरमियान इंसाफ से काम करो। ऐसा पाकिस्तान जहां आईन होगा, जहां बलोच के साइन और वसाइल का हकदार पहले बलोच बच्चे को ठहराया जाएगा, जहां पश्तून वतन के वसाइल पे इफ्तिखार और इफ्तिखार के बच्चों का पहला हक तस्लीम होगा, जहां सिंधी के वसाइल पे सिंधी का इख्तियार होगा, एक पार्लियामेंट होगी, वो बाला दस्त होगी, वो दाखिला और खारिजा सियासत का मंबा होगी। ये पाकिस्तान मरियम बीबी, मोहतरम परवेज रशीद साहब, हम आपको कुरान करीम के सफ़ों पे अब्दुल वासी साहब भी अंगूठा लगा देगा, इफ्तिखार भी लगाएगा, मालिक भी लगाएगा, जतक भी लगाएगा, हम भी लगाएंगे, ये पाकिस्तान क़यामत तक जिंदाबाद। लेकिन ऐसा पाकिस्तान जिसमें आप मुझे लूट का माल समझकर, ये नहीं चलेगा। मैं आज भी कहता हूं,
दूसरी बात, देर हो रही है, दरे खबरी नूरी कुम जो अफगानिस्तान के मुतालिक, अफगानिस्तान अफगानिस्तान हुर्रियत पसंद इंसानों का गढ़ है। अफगानिस्तान हमारी बात ना माने, हमारी बात ना माने, शारे मशरक अलामा इकबाल जो बहुत बड़ा फलसफी भी है, बहुत बड़ा शायर है, उसके उसके शेर कम से कम उसके एक शेर की तो उसकी पेशंगोई साबित हो रही है। मरियम बीबी अलामा इकबाल फरमाते हैं कि आसिया यक पै करे आब गिलस, मिलत अफगान दर आम पै कर दिलस, अज कुशाद ऊ कुशाद आसिया, अज फसाद ऊ फसाद आसिया। फारसी का शेर है, उसका मफहूम यह है कि अगर एशिया को एक जिस्म की हैसियत से लिया जाए, एक खाकी जिस्म की हैसियत से लिया जाए, तो अफगान उसका दिल है सारे एशिया का। मैं नहीं कहता, अलामा इकबाल कहता है कि अफगान उसका दिल है। अगर वो दिल खुश होगा एशिया खुश होगा, अगर वो दिल कमजोर होगा बीमार होगा एशिया बीमार होगा। 40 साल से अफगानिस्तान में खून का बाजार गर्म है, सारे एशिया का अमन खतरे में पड़ गया। मैं ये नहीं कहता, बात यह है मरियम बीबी, ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है। परसों ट्रंप साहब के मुंह से कुछ अल्फाज निकले हैं जिसको लोग नहीं समझ सके हैं। उन अल्फाज में उन्होंने फरमाया है कि अगर पाकिस्तान ने या फलाने ने रवैया नहीं अपना ठीक किया तो मैं अफगानिस्तान के 2 करोड़ इंसानों को या अफगानिस्तान को खुदा न खास्ता मैं मलियामेट कर दूंगा। हम ट्रंप बहुत बड़ा आदमी है, काबिल कदर है, सारी दुनिया का मुखिया है, सारी दुनिया का मलक है, सारी दुनिया का सरदार है, अमेरिका बड़ा मुल्क है, लेकिन शायद वो ये भूल गया है, शायद वो ये भूल गया है कि जब इस्तेमारी कुवतें लोगों के वतनों को कब्जे करने के लिए चल पड़ी, बहुत बड़ा चीन जापान के कब्जे में चला गया, सारा हिंदुस्तान अंग्रेज के कब्जे में चला गया, सारी अरब दुनिया, सारी मुसलमान दुनिया फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के कब्जे में गई। अगर एक मिल्लत मुकम्मल तौर पे गुलाम नहीं हुआ वो अफगानिस्तान था और अभी तक है, उसका एजेंडा है, उसकी आजादी है। वो पश्तों का एक शायर कहता है, पश्तों का एक शायर कहता है, दा पश्तूनख्वादा चिपसरनो ये बिनादा, दा पश्तूनख्वादा दल तरा गलई कसिकंदर दे, दल तरा गलई कसिकंदर दे, अलकदारी में जालिम होड़ल दिल तखपल सर दे, हर छा बैल दिल तो सौदादा, दा पश्तूनख्वादा दा पश्तूनख्वादा। ट्रंप साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, अफगान पामीर पे रहते हैं, पामीर दुनिया की छत है, और अगर दुनिया की छत पे आप बमबारी करेंगे तो हमारे साथ सारी दुनिया तुम समेत डूब जाओगे, सारी दुनिया हमारे साथ डूब जाएगी।
हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। नाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आमू से लेकर अबासिंग तक 7-8 करोड़ पश्तून अफगान, उनकी हजारों लाखों माएं, हर साल लाखों बच्चे जन्मती हैं। मरियम बीबी हमारे बच्चों को मां जब लोरी देती हैं तो उसको ये कहा जाता है कि बेटा रुपया पैसा सर बचाने के लिए इस्तेमाल करो, और अगर तेरी इज्जत को खतरा हुआ, तेरे वतन को खतरा हुआ, फिर सर की परवाह ना करो। जिस मिल्लत के बच्चों को यह तरबियत दी जाए, मदर ऑफ ऑल बम इस्तेमाल हो चुका है। ये जो मौजूदा 40 साल जंग हुई है, ट्रंप साहब को पता है, सिवाय स्कीमूज के, नॉर्थ के स्कीमूज, शुमाली, सिवाय स्कीमूज के, इस जंग में दुनिया की हर नस्ल के बच्चों का खून बहा है। यहां नाटो भी आया है, यहां फरंगी आया है, यहां फरंगी इस्तेमाल के जिवाल की इब्तिदा अफगानिस्तान से हुई थी। उसी से इल्हाम लेते हुए 1857 में हिंदुस्तान की जंग आजादी हुई थी। ट्रंप साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये फिसलन है, स्लिप ऑफ द टंग, अगर ये फिसलन है लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर ये इरादा है, अमेरिका अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो आपकी मकाम का ये तकाजा है, आपके बड़े मुल्क का ये तकाजा है कि ट्रंप बाबू आप ये अल्फाज वापस ले लें। इससे दिल आजारी हुई है अफगानों की, पश्तूनों की, हम सब की। रूणो अजीजानो, यह खबर बोला मरियम बीबी वदर इज वे अल्लाह का वदर, अल्लाह का वदर। मरियम बीबी पीटीएम ट्रक से लगा, पीटीएम की बात हो रही है, पीटीएम मुखफफ है पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट। मेरे ख्याल में ये लफ्ज इस तहरीक की जसामत के लिए छोटा है। मेरे ख्याल में हम करीब इसका नाम पश्तूनख्वा तहफ़ुज़ मूवमेंट होगा, क्योंकि पश्तूनख्वा वतन में हमारे साथ गिलगित, चतराल, जिला हजारा, कोहिस्तान, गुजर, बहुत सारी और नस्लें आबाद हैं। पीटीएम एक जुल्म के नतीजे में, मिलिट्री एक्शन के नतीजे में एक रद्दे अमल के तौर पे बनी है, बदर गया। इसके लिए भी मेरी तजवीज़ है एक अंदाजे के मुताबिक स्वात से लेकर खैबर तक जो फौजी बनाई हुई हैं, जो अमलियात हुई हैं, कम से कम 70,000 लोग मारे गए। 70,000 लोग हमने कभी किसी जंग में नहीं मारे, अपने न किसी और के मारे हैं। किस लिए मरे था 70,000? इसके लिए मेरी तजवीज है, इफ्तिखार बैठा हुआ है, पीपल पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए एक हकीकत मालूम करने का कमीशन बनाया जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, जिसमें जजेस हों, जिसमें सियासी लोग हों, जिसमें फौजी मसलक समझने वाले लोग हों, और इस बात की तहकीक हो कैसा क्यों किया गया,
ये जहां जो तस्वीर करीब यहां रात अंधेरा हो गया है, तो अली की तस्वीर नजर नहीं आ रही। मरियम बीबी वदर या लक वदर